दिल्ली हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय बंद हेबो नाइ सेंट्रल भिस्ता प्रकल्प कार्य एही प्रकल्पर रही राष्ट्रीय महत्व प्रकल्प बंद पर दायर पिटिशन को खारज आवेदनकारी एक लक्ष टंकार जोरिमाना बंद हेबो नाइ बहुचर्चित सेंट्रल भिस्ता प्रकल्प कार्य यार निर्माण कार्य जपर पूर्व चलता से हीपर चालू रह प्रसंगर एक गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई मान्यवर दिल्ली हाइकोर्ट एवं कोविड महामारी देशपाई अनेक आर्थिक बोझ आनी समय रे बहु अर्थ व्यय निर्मित होता सेंट्रल भिस्ता आभिन्यूर प्रकल्प को बंद करने केन्द्र सरकार को निर्देश दि जाऊ प्रार्थना कर पिटिशन दायर करते दुईज आवेदनकारी मे 17 तारीख दिन यार शुणाणी कर राय स्थगित रखि कोर्ट जहां सोमवार दिन प्रकाश पाई आवेदन को खारज करवर अदालत आवेदन विचार पर दिल्ली हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस डीएन पटेल एवं जस्टिस ज्योति सिंह को नहीं गढ़ा जाता दुईजिया डिजन बेंच बेंच मत दे सेंट्रल भिस्ता आभिन्यू हूँ सेंट्रल भिस्ता प्रोजेक्टर एक अविच्छेद्य अंग जार सार्वजनीन गुरुत्व रही जेहेतु प्रकल्प में संप्रक्त श्रमिक एवं अन्य माने प्रोजेक्ट साइट रे रही कार्य करेणु कोविड नियम पालन करू बंद करने निर्देश देवार प्रश्न उठना पूर्वर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बा डीडीएमए 2019 संपर्क में एक स्पष्टीकरण देते जहाँ बेंच उदाहरण भाव में नहीं तेरे धार्य समय सुधा प्रकल्प निर्माण शेष करने दिगरे गुरुत्व डिविजन बेंच सेंट्रल भिस्ता आभिन्यू रे नुआ पार्लियामेंट हाउस निर्माण कार्य चली तेणु यह प्रकल्प राष्ट्रीय गुरुत्व रही प्रकल्प निर्माण प्रति देशर नागरिकंकर समर्थन रही यार आईनगत वैधता मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को द्वारा सुनिश्चित करेणु प्रकल्प कार्य बंद हेबो नाही बोली राय देखते हाइकोर्ट बेंच लेखक तथा अनुवादक अन्या मल्होत्रा एवं ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक चलचित्र निर्माता सोहेल हासिन तरफ पिटिशन दायर करा प्रकृत जनस्वार्थ मामला नुहे बर मंद उद्देश्य प्रणोदित एक पिटिशन बोली मत दे पिटिशनकारी एक लक्ष टंका जोरिमाना लगाई डिविजन बेंच ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।